तो ये जो मैं शाही पनीर बना रही हूँ ये बहुत सिंपल एंड क्विक रेसिपी में ही मैं बना रही हूँ, क्योंकि अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो हमेशा हम चाहते हैं कि खाना बिल्कुल जल्दी बन जाए। एंड मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है। एंड सरसों के तेल में बस मैंने क्या किया है, पहले प्याज को हल्का दरदरा पीस करके मैंने तेल में फ्राई किया, उसके बाद मैंने दो टमाटर को हल्का दरदरा तेल में मैंने फ्राई कर लिया। एंड उसके बाद मैंने क्या करना है, बस ये हो गया। मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दूंगी एंड बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं भी आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या किया है। देखो अभी ये फ्राई हो रहा है एंड ये देखो मैंने घर का मसाला बनाया है। इसमें सारे साबुत गरम मसाला है एंड इसमें लहसुन अदरक और लाल मिर्च है एंड साबुत गरम मसाला जो रोस्ट नहीं किया हुआ है, विदाउट रोस्टेड जितने गरम मसाले होते हैं, मतलब साबुत गोल की बड़ी बड़ा इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी एंड देन वो चक्री होता है फ्लावर वाला वो, एंड ये सारी चीज़ों को मैंने एक साथ ज़्यादा अमाउंट में लेके मैंने पीस दिया है लहसुन अदरक के साथ। ये मैं 4-5 दिन के लिए रखती हूँ एंड इसको मैंने पीस दिया है। अब मैं ये वाला डालूंगी, इससे काफ़ी अच्छा अरोमा आता है एंड टेस्ट भी आता है खाने में। ये मैंने ऐड कर दिया इसमें इतना, क्योंकि इसमें लहसुन अदरक का भी पेस्ट है। ये देखो ये कर दिया। और मैंने क्या लाई हूँ, मैं जीएम का मसाला लाई हूँ, इसको मैं 5-4 मिनट भूनूंगी। एंड अब मैंने क्या करना है, ये शाही पनीर का मसाला है जीएम का, बहुत टेस्टी होता है, बच्चों के लिए भी बहुत यम लगता है ये, बहुत तीखा नहीं बनता। आपको जिस हिसाब से मिर्ची ऐड करनी है आप ऐड कर सकते हो। अब मैंने इसे शाही पनीर मसाला को, ये सारे मसालों को मैंने डाल देना है। नमक मैंने पहले ही ऐड कर लिया था जब मैंने टमाटर डाला था तो। एंड हाँ, अगर आप पैकेट वाला मसाला यूज़ कर रहे हैं, अभी थोड़ा मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे जल्दी बनाना था, तो मैंने पैक मसाला यूज़ किया एंड इसको मैंने डाल दिया। अब ये फ्राई होगा, बहुत जल्दी बनता है लेकिन बहुत टेस्टी बनता है अगर आप घर का गरम मसाला ये सब यूज़ कर रहे हो तो। और ये डाल के अब मैं इसे फ्राई करूँगी। एंड मीनवाइल अब मैंने क्या करना है, तब तक उधर पनीर का मसाला बन रहा है। और ये रहा नान के लिए, मैंने थोड़ा सा मैदा लिया है, फिर ये आटा लिया है एंड इसमें मैंने क्या किया है, दही ऐड किया है। और फ्रेंड्स, जैसे अदरक हर सब्ज़ी में यूज़ नहीं होता है, लेकिन आप लहसुन को हर सब्ज़ी में यूज़ करते हैं, तो ये सिर्फ लहसुन और लाल मिर्च का पेस्ट है दरदरा। ये मैंने भी बनाया था, मैंने ये कांच के बॉटल में रखा है, तो ये मैं इसमें ऐड करूँगी हल्का लहसुन वाला, नान का इसमें फ्लेवर आएगा एंड अच्छा रहेगा, हेल्थ के लिए भी अच्छा है। मैंने दही ऐड कर लिया था इसमें एंड ये अदरक, ये लहसुन एंड लाल मिर्च वाला मैंने बस ये ऐड किया है। इसमें थोड़ा मैंने बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा ये अलग से रखा है मैंने, दुकान में मिलता है ये दोनों भी इसमें ऐड किया है। अंडा भी ऐड कर सकते हो लेकिन मैंने अभी अंडा ऐड नहीं किया है। एंड इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल यूज़ करूँगी, ये मैंने ऑयल डाल दिया इसमें, कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो आप। और यस, नमक, इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी और शुगर भी। ये देखो मैंने इसमें थोड़ा नमक ऐड किया है एंड उसके बाद मैं ऐड करने वाली हूँ थोड़ा चीनी। ये देखो एंड बस अब पानी के साथ मैं इसे, ये मैं इसमें थोड़ा सा चीनी ऐड कर रही हूँ, हल्का खट्टा मीठा सा नान रहता है। मैं ये घर के तवा को जो रोटी बनाते हैं लोहे का, उसको उल्टा करके, उसे उल्टा करके मैं नान बनाऊंगी। अब मैं इसका डो तैयार कर लूँगी, जितना पानी यूज़ होगा उस हिसाब से। और अब हम देखते हैं मसाला कितना फ्राई हुआ है। तो फ्रेंड देखो, मसाला कितने अच्छे से फ्राई हो गया है, तेल भी इसमें छोड़ दिया है। अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे और फिर उसे पनीर के साथ इस मसाले को पकाएंगे। ये मसाला बहुत अच्छे से कुक हो गया है, फ्राई हो गया है, पक गया है।
तो फ्रेंड देखो ये पनीर है और यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेटेड पनीर भी है। ये पनीर मैंने ग्रेट कर दिया है, इससे जो मसाला होता है बहुत टेस्टी बनता है। और मैं इसको फ्राई नहीं की हूँ, मैं इसी तरह डाल रही हूँ। बहुत ऑयली हो जाता है, मतलब ऐसे भी पका के, लेकिन पनीर पकना चाहिए अगर आप ऐसे डाल रहे हो तो बिना फ्राई किए। इसका भी एक अपना ही अलग टेस्ट होता है, फ्राई करके बनाने का अलग टेस्ट है। तो बस मैं ये ग्रेटेड पनीर और ये डाल के पानी डालकर इसको पकने दूंगी मैं। अभी देखो अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी थोड़ा और ये पकेगा। आप इसका कलर देख सकते हो। आपको गरम मसाला ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट में मैंने अलग सा एक गरम मसाला वाला पेस्ट बना रखा है। और मार्केट का ना लहसुन अदरक का पेस्ट ना ही यूज़ करें तो अच्छा है, वो उसमें उतना फ्लेवर भी नहीं होता है एंड उतना मज़ा नहीं आता है खाने में। और जो ये सब मैंने नान के लिए रखा था, अब इसे क्या करना है, बस पानी से, पानी के साथ मिक्स करके बहुत अच्छा सा डो बना लेना है। पहले हम इसे मिक्स करेंगे, जो भी कुछ ऐड किया है, दही, तेल, नमक, चीनी, मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर, ये सब कुछ को एंड लहसुन और लाल मिर्च का दरदरा कुटा हुआ पेस्ट जैसा। तो फ्रेंड देखो मैंने ये बहुत सॉफ्ट सा डो लगा लिया है और इसको कम से कम 15 से 20 मिनट आपको छोड़ना है बनाने के पहले, और उसके बाद फिर आपको नान बनाना है। इसके ढक के मैं छोड़ दूंगी। फ्रेंड्स तो ये पनीर में क्रीम डालने के लिए मैं बिल्कुल फ्रेश क्रीम यूज़ कर रही हूँ घर का। एंड ये देखो इसको मैं हल्का सा मिक्सी में ग्राइंड करके फिर वो पेस्ट यूज़ करूँगी, क्योंकि हरी मिर्च ऐड करूँगी जिससे बच्चों के लिए, इससे ना थोड़ा वो हरी मिर्च का तीखापन दब जाता है। देखो फ्रेंड्स तो ये बस हो गया, इसमें मैं थोड़ी सी तीखापन की है, मैं थोड़ा इसमें हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। एंड फ्रेश क्रीम मैंने निकाला था अभी घर का फ्रेश क्रीम, उसको मैं अभी थोड़ी देर में जब बंद करने वाली होंगी तब मैं वो क्रीम ऐड करूँगी। बिल्कुल ग्रेवी वाला नान के साथ खाने के लिए ज़बरदस्ती ये तैयार हो गया है पनीर। फ्रेंड्स तो देखो आटा हो गया है, मैं आटा निकाल रही हूँ एंड इसको बेलूँगी अभी। तो देखो मैंने ये बेल लिया है एंड ये बिल्कुल पानी लगा दिया है मैंने, पीने वाला पानी। एंड इसमें मैं थोड़ा सा कलौंजी ऐड करूँगी, इससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। चूँकि मैंने इसमें लहसुन और लाल मिर्च का दरदरा कूट के मैंने आटे में ही गूंद दिया था, अगर जैसे मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इसमें ऊपर से अलग से लहसुन अदरक नहीं ले रही मैं। ये अगर जैसे मैं शेजू के लिए बनाऊँगी तो मैं ना ये पेस्ट यूज़ कर सकती हूँ हल्का सा, तो लहसुन का टेस्ट आता है, काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन बच्चों को उतना हार्ड टेस्ट पसंद नहीं आएगा तो मैंने नहीं ऐड किया है। एंड अब मैंने इसको गर्म तवे में जिस तरफ से पानी है उस तरफ मैंने इसने लगा देना। तो देखो बस अब मैंने ये डाल दिया है एंड पनीर भी, बस देखो पनीर बनने ही वाला है, पनीर बनने वाला है। पनीर को मैं बंद कर दूंगी एंड ये देखो अब ये बन रहा है। देखो फिर ये घर का नान बन रहा है, अभी एक बना के निकाला है एंड इसमें भी मैंने फोल्ड करके घी लगा के रखा हुआ है। ये देखो ये बस अभी देखो कितने अच्छे से बन रहा है ये नान। सच में घर पे अगर टेस्टी खाना बनाओगे तो बच्चे बाहर जाने के लिए नहीं बोलेंगे आपको। एंड ये बस आटे और मैदे का जो नान है ये बहुत टेस्टी है, बहुत यम्मी बनता है और बहुत सॉफ्ट बनता है। मायरू हो गया एंड देखो ये, और वो स्मेल भी आ रहा है लोहे के तावे पे ना, ये बार बार पोछते नहीं है, नहीं तो इसका स्टिकनेस ना ख़राब हो जाता है। बार बार पोछोगे तो नान जैसा लुक नहीं आएगा। एंड इधर का थोड़ा पका लो, और घर पे है जैसे बनाना है बनाओ।